एज ए प्रेजिडेंट मैं मतलब हमारे सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो है हमारे ये यहाँ पे जो जितने भी स्टाफ है इनके कामों का है, मतलब कहीं पे डीपीसी रुकी है, कहीं पे प्रमोशन का मसला है, क्योंकि गवर्नमेंट का आर्डर है कि हर साल में दो दफ़ा तो डीपीसी होनी चाहिए, लेकिन इसमें चार चार पाँच पाँच साल गुजर जाते हैं, डीपीसी नहीं होती है, लोगों को प्रमोशन नहीं मिलती है। और अब यहाँ जितनी भी हमारी पोस्टें यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो वैकेंट हैं, हम उनसे कहेंगे कि सरकार से कि ये भी पोस्टें रेफर की जाएँ ताकि नौजवान जितने भी पढ़े लिखे हैं हमारे स्टेट के अंदर उनको रोज़गार का मौका मिले। तो एक तो कोविड-19 की वजह से ऐसे भी लोग परेशान हैं, ऊपर से नौकरी में मैं परसों ही सुन रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, देखिए आप इस वक्त हम यूटी जो है ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ गई है बाइफर्केशन के बाद। तो आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो अमित शाह हमारे हैं या जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी हमारे बारे में सोचें। ये कह रहे थे कि आप 370 जो हमने एब्रोगेशन किया इसकी वजह से लोगों की वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लेकिन एब्रोगेशन के बाद भी उस वक्त कहते थे ये जो दिल्ली बड़ी दूर है, अब तो दिल्ली हमारे बड़े नज़दीक आ गई। हम चाहते हैं कि दिल्ली इस नज़दीकी का फ़ायदा इन लोगों को ये दे कि यहाँ का नौजवान जो बेरोज़गार है, लिटरेसी रेट यहाँ पर देखिए हमारे नौजवान में किसी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी हो गई है, एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करें ताकि नौजवानों को रोज़गार मिले।